गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमनदीप सिंह. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन. टुडे वी विल डू एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. आफ्टर दैट वी विल डू द सम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1. मैंने एक एग्जांपल ली थी, अपनी तरफ से कोई क्लास इंटरवल लिया था और जो फ्रिक्वेंसी थी 2, 3, 7, 6, 6, 6. मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मिड वैल्यू यानी कि एक्स आई हमने कैसे निकालना है. कैसे निकालते थे? दोनों इंटरवल को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2. 0 + 10 / 2, 10/2 क्या आ गया था? 5. 20 + 10 / 2 यानी कि 30/2 क्या आ गया था? 15. अब ऐसे ही 10-10 का डिफरेंस डालते जाएंगे. इसके बाद आ जाएगा 25, 35, 45, 55. अगर आप देखें, ये देखिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, एक्स आई की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब एज्यूम्ड मीन मेथड में समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई है, तो डी आई कैसे निकलेगा? डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए क्या है. ए एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जिसको हम एज्यूम्ड वैल्यू बोलते हैं. हमने क्या करना है, एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेना है. कोशिश करेंगे कि हाफ टर्म्स ऊपर से छोड़ के, हाफ टर्म्स नीचे से छोड़ के, जो सेंटर वाली टर्म रह जाएगी या अप्रॉक्सीमेट सेंटर वाली टर्म रह जाएगी उसको हम ए लेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे 6 टोटल टर्म्स हैं. अगर हम 3 ऊपर से निकाल देंगे, 3 नीचे से निकाल देंगे, तो सेंटर में कोई भी टर्म नहीं बचेगी. इसलिए अप्रॉक्सीमेट सेंटर यानी कि 2 टर्म्स ऊपर से निकाल देंगे, 3 टर्म्स नीचे से. या आप क्या कर सकते हो, 3 टर्म्स ऊपर से छोड़ सकते हो, 2 टर्म नीचे से छोड़ सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. तो मैंने 25 को ए लेट कर लिया. अब डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए. अब एक्स आई की वैल्यू फर्स्ट नंबर पे क्या है, 5. 5 माइनस ए क्या है, 25. माइनस किया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का, तो यहाँ पे आ गया -20. ऐसे ही 15 एक्स आई हो गया, एक्स आई माइनस ए यानी कि 15 - 25, ये आ गया -10. सिमिलरली 25 - 25 क्या आ जाएगा, 0. 10, 20, 30 ऐसे आ जाएगा. अब फार्मूले के अकॉर्डिंग समेशन एफ आई डी आई होना चाहिए. तो हमारे पास तो अभी डी आई निकला है, तो हम क्या करेंगे, एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो एफ आई क्या है, फर्स्ट 2, 2 मल्टीप्लाई -20 कितना आ गया, -40. -10 × 3 -30. 0 × 7 0. 10 × 6 60. 20 × 6 120. 30 × 6 180. अब हमने इसका समेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको प्लस कर लेंगे. 40 और 30 कितने हो गए, 70 विद माइनस साइन. पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करेंगे, ये हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0. तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 70 नेगेटिव साइन के साथ है और 360 पॉजिटिव है. हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे. तो 360 माइनस 70 कितना आ गया, 290. अब इधर एफ आई हमने लास्ट लेक्चर में भी प्लस किया था, ये 30 बन जाएगा. अब फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू
ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब हमारे पास ए कितना है 25, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया 290 डिवाइडेड बाय 30, ये कैंसिल हो गया। अब 29 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे 25 एज इट इज आ जाएगा। 29 को 3 से किया ये आ जाएगा 9.66। तो इनको प्लस करेंगे, 25 और 9 कितना आ गया 34.66, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कौन सा किया मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। द फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पे हमें यू आई पहले फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड यू आई? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए तक तो हमने कर लिया था एज्यूम्ड मीन मेथड में, जिसे हम डी आई बोलते थे। अब यहाँ पे यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पे ए क्या हमने लेट किया था 25, तो एक्स आई माइनस ए 5 माइनस 25 अपॉन एच। एच मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, दोनों इंटरवल का डिफरेंस, 0 और 10 का डिफरेंस कितना है 10। तो ये आ जाएगा -20/10, दैट इज अगेन इक्वल टू -2। ऐसे ही इस नेक्स्ट में आ जाएगा -1, 0, 1, 2, 3, जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है एफ आई यू आई। यू आई हमने फाइंड कर लिया, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × -2 -4, 3 × -1 -3, 0, 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18। फिर वही चीज़ है, -4 -3 -7, यहाँ पे आ गया 36। माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 29। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस समेशन एफ आई यू आई इज 29, समेशन एफ आई इज 30 इंटू, यहाँ पे इंटू एच भी आएगा फॉर्मूले में, इंटू एच। एच हमारे पास कितना है 10, कैंसिल हो गए 0। तो 25 प्लस 29/3, हमने यहाँ पे भी डिवाइड किया था, तो ये कितना आया था हमारे पास 9.66। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 9.66, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा 34.66। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कि हमने डायरेक्ट मेथड से भी यही क्वेश्चन किया था, तो उसका आंसर आया था 34.66। एज्यूम्ड मीन से किया तो भी सेम आंसर, स्टेप डेविएशन से किया तो भी सेम आंसर। मतलब आंसर जो है वो सेम रहने वाला है, मेथड चाहे तीनों में से कोई भी लगा लो। तो अब हमने आज तीनों मेथड, एक लास्ट लेक्चर में किया था और ये दो मेथड हमने आज किए हैं, तो ये तीन मेथड हो जाते हैं मीन फाइंड करने के। तो इन तीनों मेथड से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगा हूँ। अब अगर एक्सरसाइज में देखें, ये देखो यहाँ पे इंटरवल क्या है, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8। यहाँ पे इंटरवल क्या है, 100, 120, 120, 140, 140, 160। यहाँ पे इंटरवल ऐसे ही आ जाएगा 65, 68, 68, 71, 71, 74। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से मेथड से मीन फाइंड करना है?
पेपर में आ सकता है, बोर्ड में, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय अप्रोप्रिएट मेथड या सूटेबल मेथड। अब आपको पता होना चाहिए कि तीनों में से हमने कौन सा मेथड लगाना है। देखो ध्यान से, अगर इंटरवल हो, बहुत कम इंटरवल हो, जैसे 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, तो ये छोटा इंटरवल है, इसे हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो इंटरवल कम हो उसे हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन क्या होगा? जिसमें थोड़ा 2 डिजिट में इंटरवल चला जाए, जैसे 65, 68, 68, 71, 71, 74। यहाँ पे जो इंटरवल है वो 2 डिजिट्स में आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग ही 2 डिजिट से हो रही है, इसलिए यहाँ पे लगेगा सेकंड वाला मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड देखो, 100, 3 डिजिट में आ गया, 100, 120, 120, 140, तो यहाँ पे लगेगा हमारा थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्ट मेथड से अगर छोटी कैलकुलेशन हो तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन से अगर मीडियम सी कैलकुलेशन हो तो हम उसे आसान से कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन किसके लिए होता है? जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे 3 डिजिट में इंटरवल चला गया, तो इसे हम किससे करेंगे? स्टेप डेविएशन से। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से, आप भी नोट करते जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से, थर्ड क्वेश्चन भी डायरेक्ट मेथड से होगा, उसके बाद ये 7th क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट मेथड से होगा, एट्थ क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट मेथड से होगा। तो आज हम पहले करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो एक मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और एक मैं आपको 7th क्वेश्चन करवाऊंगा, सॉरी मैं आपको करवाऊंगा थर्ड और 7th, क्योंकि 7th में डेसिमल नंबर्स हैं तो इसलिए आपको डिफ़िकल्टी ना आए, इसलिए मैं ये करवाऊंगा 7th। और थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।